नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर से बड़ी जानकारी है, मदरसों को नोटिस जो जारी किया गया था वो रद्द हो गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नोटिस रद्द किया है मदरसों को लेकर के। आपको बता दें कि नोटिस जारी किया गया था जिसको बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गलती को अपनी स्वीकार कर लिया है। मदरसों का निर्णय लेने का अधिकार अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड को है। मुजफ्फरनगर से खबर है, मदरसों को जो जारी नोटिस है वो रद्द कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नोटिस रद्द कर दिया है और मदरसों को लेकर के जो नोटिस जारी किया गया था उसको रद्द किया गया, लेकिन अब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गलती को स्वीकार भी किया है। मदरसों को लेकर के निर्णय लेने का अधिकार अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का है। तो मुजफ्फरनगर से खबर है, मदरसों को जारी नोटिस रद्द करने के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दरअसल इस नोटिस को रद्द कर दिया था, लेकिन अब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और ये कहा है कि मदरसों को जो नोटिस जारी किया गया वो गलती से हुआ और मदरसों को किसी भी तरीके का निर्देश जारी करने का अधिकार अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड को है। बड़ी जानकारी है मदरसों को लेकर के जो निर्णय हुआ और उसी को लेकर के जो नोटिस जारी हुए थे उसको बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रद्द कर दिया था और अब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। मदरसों को लेकर के जो नोटिस जारी किया गया उसको रद्द करने का अधिकार बीएसए को नहीं है और ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और मदरसों का निर्णय लेने का अधिकार अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड को है। ये बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। मदरसों को जारी नोटिस रद्द करने के मामले में यह अहम खबर है और जो नोटिस जारी किया गया उसको रद्द कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। तो मदरसों को जारी नोटिस रद्द किया गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और बेसिक कि हाँ ये अधिकार अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड को है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ, सीधे धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और यह भी कहा कि यह अधिकार अल्पसंख्यक कल्याण आयोग को है, ये मामला क्या है, एक बार जरा इसको विस्तार पूर्वक समझाएं। बिल्कुल, देखिए अभी दो दिन पहले जिस तरह से खंड विकास अधिकारी द्वारा पुरकाजी ब्लॉक को में जो जितने भी मदरसे थे 12 के करीब ये मदरसे, उनको एक नोटिस जारी किया गया था। उनमें बताया गया था कि आप जो है आप किस स्तर पर जो मानक है उन स्तर पर इस मदरसों को संचालित कर रहे हैं नहीं, कृपया उन मानकों की जानकारी दे और अभी जो आपके पास मान्यता वगैरह जो सर्टिफिकेट है वो कम से कम हमारे दफ्तर में आकर दिए जाए। इसका विरोध जमीयत उलेमा ने जेएम कार्यालय पे किया तो ये मामला मीडिया में प्रकाशित हुआ और उसी आधार पर जब मीडिया ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से जानना चाहा कि जो नोटिस जारी किया गया है इन मदरसों को क्या ये सही है या गलत है, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि हाँ बिल्कुल जारी किया गया, मैं इसकी स्क्रूटनी कर रहा हूँ। उसके बाद में जैसे अल्पसंख्यक अधिकारी के पास मीडिया के लोग सर को नहीं है, जिस तरह से उन्होंने नोटिस जारी किया कहीं ना कहीं त्रुटि है, गलत है और इस अधिकारी ने जो ये नोटिस जारी किया था इन 12 मदरसों को कहीं ना कहीं वो गलत था। चलिए धर्मेंद्र, शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी।